आज का ये टॉपिक आपके लिए परीक्षा के पॉइंट व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, और वैसे भी आप भारत में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए। आप देखेंगे कि गरीबी, जब भी भारत में कहीं भी आप जाते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहीं भी नाम आता है तो आप सोचने लगते हैं कि ये गरीब हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं, किस तरह से हैं। तो ये यही संबंधित है टॉपिक। याद रखिए, इसमें आपके कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं, वन डे एग्जाम में भी बन जाते हैं, और आपका जब स्टेट पीसीएस हो चाहे सिविल सर्विस हो, उसमें जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तब आप इन पॉइंटों को डाल सकते हैं। जैसे अभी तक गरीबी को निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, या इसको इससे निभा मतलब निकालने के लिए लोगों को कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, उन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और आप लोग क्या किया करिए कि एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करिएगा, ठीक है? कभी भी आप आंसर राइटिंग करते हैं या कहीं भी पेपर देने जाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आप आराम से लिख सकते हैं। गरीबी, गरीबी एक ऐसी स्थित परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा परिवार वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अपने जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब आप सीधा सा समझिए कि एक परिवार है या फिर व्यक्ति है, वो जो भी उसकी आवश्यकता है उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। आवश्यकताओं का सीधा सा कहने का मतलब है कि वो न्यूनतम आवश्यकता है जो उसकी मतलब पूरी कर ली। अब ऐसा नहीं कि उसके पास कार नहीं है तो उसे गरीब कह दें हम लोग, लेकिन ये भी देखेंगे आप लोग कि भारत में और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जमीन आसमान का फर्क है गरीबी को निर्धारण करने का। हमारे यहाँ जिसके पास खाने के लिए एक तरह से रोटी नहीं है दो वक्त की, उसे गरीबी में रख दिया जाता है। वहीं अमेरिका में आप जाएंगे तो उन लोगों को गरीबी में रखा जाता है जिनके पास वीआईपी कार नहीं है, एक तरह से गाड़ियां नहीं है, ठीक है? अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय के गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। समाजशास्त्री हेनरी वन स्टीन ने निर्धनता के चार आयाम बताए। कौन कौन से हैं? जीविका रणनीतियों का अभाव, संसाधनों जैसे धन हो गया, भूमि आदि की अनुपलब्धता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के यानी कि 1947 के बाद से अब तक देश में आपके गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधारित आधिकारिक समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों को जरूर याद रखना, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेरण यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, या फिर बाकी कोई भी स्टेट पीसीएस हो आपका, या सिविल सर्विस हो, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या पूछ लेगा कि कौन सी गरीबी को निर्धारित करने के लिए कौन कौन सी इनमें से समितियां बनाई गई हैं। आपको चार ऑप्शन नीचे दे देगा तो कहेगा इनमें से आपको चुनना है, या फिर आप देख लेंगे कि ये कब बनाई गई है। तो आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग कार्य समूह ए 1962 की बात है, वी एम दांडिकर और एन रथ ए 1971 में, अलग समिति 1979 में, लकड़वाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति ए आपकी 2009 में, रंगराजन समिति 2014 में। तो योजना आयोग कार्य समूह कब? 1962, बी एम दांडेकर और एन रथ ये 1971 की बात है, अलग समिति 1979 की बात है, लकड़वाला समिति 1993 की बात है, तेंदुलकर समिति 2009 की बात है, रंगराजन समिति 2014 की बात है। केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। किसकी? तेंदुलकर समिति की। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी की 21.9% लोग गरीबी रेखा से के नीचे जीवन यापन करते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी जो इस तेंदुलकर समिति ने निर्धारित किए गए मापने के जो दंड निर्धारित आधार निर्धारित किए गए हैं उन्हें देखकर आप लोग बड़े अचंभित होंगे। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और ग्रामीण परिवारों के लिए इसे 816 रुपये निर्धारित किया है। अब आप समझिए,
आप अगर शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं कहने का मतलब, और आप गांव में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप 1,000 रुपये अगर महीने के कमाते हैं तो आप गरीबी की रेखा में आते हैं। और सोचिए, अगर आप सोचिए कि ग्रामीण परिवार के लिए इससे 816 रुपये निर्धारित किया गया, इससे कम या इतने में गरीबी आ गया। अब आप खुद सोच के देखिए ये बात कि आप शहर में रह रहे हैं, 1,000 में आपका 1 महीने का काम चल जाएगा। तो इसे आप लोग खुद विचार करिए, और इसकी एक तरह से समस्या कहाँ खड़ी हुई है आप लोग देखिए। ये तो आप सोचिए कि इस तरह के मापदंड निर्धारित किए गए, फिर भी 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जीवन यापन कर रही है। अगर आप हकीकत में अगर उन्हें देखा जाए तो आप सोचिए कि जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप मिनिमम सोचिए कि 200 से 300 रुपये आपको डेली का कम से कम खर्च आता होगा अगर आप शहर में रह रहे हैं, ठीक है। गरीबी के प्रमाण में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों बात की जा रही है कि जो ये निर्धारित किए गए हैं हम लोग बदलने चाहिए। पूर्व में अवधारणा रही है कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही अन्य मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश की गरीब आबादी द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों पर किए जाने वाले खर्च का ध्यान में रखते हुए संशोधित गरीबी रेखा जारी की। समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से समान ही है। याद रहे कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए निर्धारित की गई थी। 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल होने के बाद तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को अब चरम गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाता है। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार समय के साथ इस गरीबी रेखा को की उपयोगिता सीमित हुई है। याद रखिए, गरीबी कई और समस्याओं को जन्म देता है। एक तरह से आप एक तरह से सोचिए, ये ऐसे टॉपिक उठते हैं कि आप लोगों को सोचना जरूरी बन जाता है। सोचिए आप लोग कि एक गरीब है कोई, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो एक तरह से महिलाएं हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, इस सशक्त नहीं हो पाएंगे। दूसरे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या रहेगी, हालत क्या रहेगी आप जानते हैं, वो पिछड़े रहेंगे, इसमें कोई दोहरा भी नहीं। वहां लिंग अनुपात आप देखेंगे, अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के आप सोचिए पढ़े लिखे नहीं होंगे, सब जानते ही नहीं, और देश दुनिया में क्या चल रहा है इससे भी पिछड़े रहेंगे। बिहार की स्थिति इसी में आप देख सकते हैं। शिक्षा ही एक तरह से आप सोचिए कि उसमें गरीबी, अगर वहां शिक्षा व्यवस्था होती है, मैंने हमेशा बोला है कि दो तीन फैक्टर होने चाहिए हर देश में, कोई भी देश हो, इससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। इसी पर पूरा चुनाव भी होना चाहिए आपका, कुछ भी हो रहा है चुनाव, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारत में इस तरह के मुद्दे होते ही नहीं चुनाव में। जात पात धर्म, इस तरह के मुद्दे चुनाव के बनते हैं, उसी का हम लोग भुगतान कर रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे इस तरह का रहा तो। दिल्ली की जनता समझदार कही आपको, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब का पक्ष ले रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मूलभूत जरूरतें क्या थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे तरीके से उपलब्धि कराई है। अभी सरकारी जो रिजल्ट आए हुए हैं उसमें देखा है कि सरकारी स्कूलों का हाल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। आप सोचिए, बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूल के छात्रों ने, तो इस तरह के देखे जाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि वोट काम के नाम पर काम हुआ हो तभी दिया करिएगा, ठीक है। गरीबी के प्रमुख कारण की बात करें आप लोग तो, निम्न पूंजी निर्माण, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, ये मेन कारण है आपका, मांग का अभाव, जनसंख्या का दबाव, सामाजिक और कल्याण व्यवस्था का अभाव। देखिए, जनसंख्या का दबाव इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अगर इसी जनसंख्या के आप उपयोग करें, आप सोचिए कि एक परिवार में 5 से 6 भाई हैं, ठीक है, और अगर आप उन्हें सबको शिक्षा दी जाती है, तो आप सोचिए कोई इंजीनियर बनता है, कोई एक तरह से कंप्यूटर का इंजीनियर बनता है, इस तरह से कई क्षेत्रों में जाता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जाता है, तो आप सोचिए कि ऑटोमेटिक उस परिवार की इनकम बढ़ जाएगी। एक तरफ उस परिवार को रख लीजिए जिसमें शिक्षा ना हो, तो आप सोचिए उस 6 भाई हो चाहे 10 भाई हो, क्या फर्क पड़ेगा,
एक तरह से बोझ ही बन जाएंगे वो। तो जनसंख्या हमारे देश में अभी देखिए आप लोग, युवा जनसंख्या है, इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक आपको इस तरह के नजरिए नहीं देखने को मिल रहा है। मानव संसाधन बनाने में आप सोचिए, शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेन स्तंभ ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि अपना अपना काम, इसी से लिए देख रहे हैं कि 1947 में हम भली आजाद हो चुके, लेकिन तब अभी तक हमारा कोई इस तरह का आजादी नहीं मिली। ठीक है, वर्तमान चुनौतियों की बात करें अगर हम लोग, तो असमानता, पिछले 2 दशकों में भारत और के सामाजिक आर्थिक परिवेश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सन 2009 में निम्न मध्यम आय वर्ग में पहुंचने के बाद अगले 5 से 10 वर्षों में भारत मध्यम आय वर्ग में पहुंच सकता है। हालांकि इसी आर्थिक स्तर पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कुछ मामलों में भिन्न है। उदाहरण के लिए समान आय वाले देशों की तुलना में भारत में ग्रामीण आबादी की अनुपात बहुत अधिक है। ऐसे में इससे शहरों के विकास या शहरी आबादी के जीवन स्तर में सुधार के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। आप कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, तो स्मार्ट गांव भी बनाने चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जनसंख्या अधिकतर हमारी गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इस प्रकार भारत में कृषि आश्रित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। याद रहे कि कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जोखिम और अस्थिरता अधिक होती है, इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में आप देखेंगे 70 से 80% तक भी जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। और कृषि में जोखिम इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कभी मौसम खराब, अधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी कोई रोग लग जाता है फसल में, तो इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती है। आय का जोखिम और ग्रामीण तथा क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच में अंतर भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप देखते हैं कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में तक सभी समुदाय सेवाएं कभी पहुंच पाती हैं। असंगठित क्षेत्र की बात करें हम लोग, भारत में कामगारों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। असंगठित क्षेत्र भारतीय आर्थिक क्षेत्र की एक चुनौती भी है। कृषि का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर मामलों में कृषि कार्यों में शामिल लोग दूसरे की भूमि पर मजदूरी करते हैं, और स्थानीय अधिकारियों के पास ऐसे लोगों का कोई प्रमाणित डेटा उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। भारत सरकार द्वारा भी असंगठित क्षेत्र और समायोजित विकास पर विशेष बल दिया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। COVID-19 की महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, और यदि बेरोजगारी की यह स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इससे गरीबी में भी व्यापक वृद्धि होगी। कहने का मतलब आप सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण भी काफी गरीबी लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, रोजगार चले गए हैं। एक बात और आपको बताऊं, ऊपर से देखिए आप लोग 1947 से आप लोग रिकॉर्ड उठा के देखिए, कई योजनाएं लाई गई हैं, कई बार आप देखते हैं गरीबी हटाओ के नारे दिए गए हैं, 1947 से ही लगभग आप देखिए चालू हो गए, लेकिन अभी तक नहीं हटी। इसका मेन कारण क्या है? आपके नेता और आप खुद जिम्मेदार, दोनों का बराबर योगदान है। लगभग आपके सरपंच साहब, आपने देखा होगा कि गांधी जी ने पंचायत पर विशेष जोर क्यों दिया था, क्योंकि आप सोचिए कि आपके कोई मंत्री है, विधायक है, या संसद सदस्य है, कोई भी लोकसभा सदस्य हो गया, तो आप सोचिए कि आपके गांव की समस्या उसे पता नहीं होगी, लेकिन आपकी सरपंच साहब को जरूर पता होगी कि आपके यहाँ कहाँ व्यवस्था रोड नहीं है, कहाँ किसके घर में परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन सरपंच का यही काम रहता है, मेन उद्देश्य उसे चुनने का यही रहता है, लेकिन सरपंच साहब जीतने के बाद अपना विकास करने लग जाते हैं। अभी किसी ने बताया, कल ही परसों कहीं देख रहा था कि सरपंच साहब से कोई मिला तो उन्होंने कहा कि कितना विकास किया, तो वो अपने घर ले गया, उन्होंने दिखाया कि ये फॉर्चूनर खड़ी हुई है, ये दो चार और वाहन खड़े हुए हैं, ये मकान बनवाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वो तुम्हारा विकास तो देख लिया है, तो बोले बाकी गांव का आप देखते हुए आए। तो सोचिए, आप ही सोचिए कि जब अपना विकास करेंगे तो जनता का विकास कहाँ से होगा। इसमें आप लोगों के लिए, आपको इसलिए जिम्मेदार ठहराता हूँ, 500 रुपये में आप वोट बेच देते हैं,
कभी आप एक दिन का उसमें से निकाल के देखिए 5 साल में, कि 500 में आप बिक जाते हैं, और जो 25 से 30 लाख खर्च करेगा सरपंच, वो विकास क्या करेगा? आप खुद सोचिए, वो उसके 1 से 2 करोड़ पहले कमाएगा, उसके बाद कुछ बचा तो वो दे देगा। अभी कई जगह आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है या शौचालय की बात की जा रही है, तो उसमें से प्रधानमंत्री के करीब आप, मुझे नहीं मालूम कहाँ कितना मिलता है, लेकिन कहीं मुझे मालूम है कि 1.5 लाख के करीब मिल रहा है। तो उसमें से आप देखेंगे 20 से 30% करीब आपके सेक्रेटरी सरपंच खा जा रहे हैं, और आप चुपके से बैठे हुए हैं और चुपचाप दे रहे हैं उन्हें। आप मतलब सोचिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो आपकी तरफ से दिया जा रहा है, उसी का भुगतान आप लोग कर रहे हैं। आप गरीब बने हुए हैं और वो अमीर बनते जा रहे हैं। खैर छोड़िए, आदत पड़ चुकी है आप लोगों को। आंकड़ों के अभाव की बात करें तो हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट ना जारी किए जाने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण की डेटा की गुणवत्ता से जुड़ी आशंकाओं को लेकर रिपोर्ट को ना जारी करने का निर्णय लिया था। फिर बात करेंगे बहुआयामी गरीबी की बात करें तो बहुआयामी गरीबी के तहत 4 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवास की गुणवत्ता 38 संकेतकों के आधार पर आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में बहुआयामी गरीबी के मामले में भारत 0.123 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में से 62वें स्थान पर है। याद रहे कि इसके तहत विभिन्न पैमाने देशों के प्रदर्शन की समीक्षा कर उन्हें 0 और 1 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? और मैं हमेशा बोलता हूं कि सरकार कितनी भी योजनाएं लाए, कितने भी नियम लाए, अधिनियम लाए, कुछ भी लाए, गरीबी कभी नहीं हट सकती है। क्यों नहीं हट सकती है? जब तक कि जनता जागरूक ना हो, आपके सबसे निचले तबके का व्यक्ति जागरूक ना हो। अगर सरपंच साहब आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, सेक्रेटरी या सचिव साहब मांग रहे हैं, तो आप पूछिए ना, आपको बोलना होगा कि किस लिए मांग रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने आरटीआई के बारे में बात की थी, सूचना अधिकार के बारे में, सूचना का अधिकार आप जानते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से आप सूचना मांग सकते हैं। कोई आपसे कहीं मांग रहा है कुछ या कुछ कह रहा है, तो आप किस तरह से, आपके यहाँ कोई सड़क बन गई है गांव में, या आपके स्कूल की खस्ता हालत है, या आपके यहाँ कोई वृद्धा पेंशन है, इस तरह की कोई भी योजना चल रही है, उसके बारे में आपको डिटेल जानना है। या आपको जानना है कि आपके यहाँ जो सरपंच साहब रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनने 5 साल में कितना काम किया, कितना फंड आया, तो मैंने बताया था पूरा फॉर्म भरने के लिए, इस तरह से आप भर सकते हैं। तो कोई लड़का अभी लिख रहा था नीचे कि मैं जिस सरपंच सचिव के पीछे भागता था, वो आज मेरे पीछे भाग रहे हैं कि तुम अपनी आरटीआई बंद कर दो, जितना पैसा लेना हो ले लो उससे। तो ये हथियार दिया गया था आपको, समझ रहे हैं आप लोग? आप सोचिए कि इस अधिकार मतलब सूचना के अधिकार को दिलाने में कई लोगों ने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, तब जाकर आपको मिली, और आपको उसकी कदर ही नहीं है। इसी तरह आपको मौलिक अधिकार दिलाने के लिए कितने, आप सोचिए कि लोगों ने जान दी अपनी, कितनी मेहनत करी, उसके बाद आपको दिलाए गए, लेकिन आप अपने अधिकारों को भूल चुके हैं। तो आपको खुद जागरूक होना हो। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में आर्थिक असमानता की समीक्षा के लिए संपत्ति आधारित सूचकांकों का विकास किया गया। साथ ही वर्ष 2005-06 से लगातार संपत्ति सूचकांक के माध्यम से सरकार को 400 से अधिक संकेतकों पर आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, और इसके तहत अतिरिक्त सरकार द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने और समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। परिवर्तन के लाभ की बात करें तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी योजनाओं की पात्रता गरीबी रेखा के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऐसे में इसकी गणना में आवश्यक सुधार के माध्यम से अधिक पात्र लोगों की पहचान करने, उन तक आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत देश में गरीबी में रह रही आबादी की गणना हेतु इसके आधार में अतिरिक्त संकेतकों को जोड़ने से शहरी ग्रामीण असमानता को कम करने के साथ कई क्षेत्रों में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होगी। गरीबी के पैमाने में सुधार के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की असमानता के बावजूद उनमें अधिक विश्वसनीय आंकड़े जुटाए जा सके। अन्य सुधारों की आवश्यकता की बात करें अगर हम लोग, तो वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी के
अनुमान के लिए वर्तमान में प्रयोग होने वाले मानकों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और एमपीआई इस दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। आय से संबंधित सटीक आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में गरीबी के मानकों के आधार पर वृद्धि के साथ सूचकांकों की वैधता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की गुणवत्ता के क्षेत्रों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में व्याप्त भारी अंतर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापक शहरीकरण और शहरी आबादी में वृद्धि के साथ ही शहरी क्षेत्रों में गरीबी की संख्या और शहरी मलिन बस्तियों में की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार को नीतियों के निर्माण के लिए हर क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। भारत जैसे विकासशील विशाल आबादी वाले देश में 3 से 4% चरम गरीबी के मामलों में सामान्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिक प्रभावी नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उचित सहायता उपलब्ध करानी होगी। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन तथा दयनीय हो। भारत के समग्र विकास के लिए गरीबी के अनुमान के आधार में विस्तार करना बहुत ही आवश्यकता है, जिससे ना सिर्फ शहरी ग्रामीण असमानता बल्कि वर्ग, जाति, सामाजिक बहिष्कार की अन्य मामलों की भी पहचान की जा सके और समाज के सभी वर्गों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उपयुक्त योजनाओं का निर्माण किया जा सके। इससे क्या होगा, समानता भी आपको देखने को मिलेगी। आप सोचिए कि एक आप भी देखते हैं अपनी जीवनचर्या में कि कोई मान लीजिए कि भाई ST ST जनजाति अगर दरोगा है, या आप सोचिए कि कहीं बड़े पद पर, तो वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वहां आपको देखने को मिलेगा कोई, आप वहां देखेंगे कि बड़े जाति का उसके पैर छू रहा होता है। मैंने कई जगह देखा है इस तरह का। तो इस तरह की कई समस्याओं से आप लोग उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं अगर आप उन्हें गरीबी से बाहर निकालते हैं, शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। और अधिकतर आप देखेंगे मृत्यु रेट यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या भी यही देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तक उनकी पहुंच ही नहीं होती है। तो मैं तो कहता हूँ स्वास्थ्य भी फ्री हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था या इतनी होनी चाहिए कि कम से कम हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, खरीद सके, उस व्यवस्था को ले सके, सेवाओं को। तो यही हाल है। वो काफी आप लोग जागरूक रहा करिएगा और आप लोग इस तरह की अगर काम करते हैं तो बताया करिएगा, मैं बता दूंगा कि ये प्रोसेस कहाँ क्या करना है। कोई आपसे मांग रहा है तो बताइए मुझे, उसमें भी बता सकता हूँ कि क्या कहाँ करना है। देखिए करना आपको ही पड़ेगा। अब आप सोचें कि कोई और कर जाए आपके सामने, ये मैं कभी नहीं हो सकता है और ना कोई करेगा आपके लिए। यानी कि वही है कि आपको लड़ना, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो आपको निर्धारित करना है क्या नहीं है। अब देखिए बिहार का और कई अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं एक समय आपने देखा होगा कि दो चार मुद्दे उठा लिए दिए जाते हैं, जात पात का, धर्म का, और कई जगह पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इनको घसीट कर पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। देखिए कभी आपको शक नहीं होना चाहिए, किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी नेता नहीं हमारे दमदार है, हमारी आर्मी दमदार है। वो आर्मी पर देश के हर नागरिक को भरोसा है, जो भारत में रह रहा है उसे भरोसा है और होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचिए किसी नेता की कार्यशैली पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं हो सकता है कि कोई सेना के पराक्रम यानी कि उनकी शक्ति पर कोई चिन्ह या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर उसकी औकात अगर आप सोचिए इतनी होती कि सेना की उस पर कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाता, तो वो यहाँ रह रहा नहीं रहा होता। क्योंकि जब सेना वहां खड़ी हुई है तभी हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तो इसलिए ये कभी मत सोचा करिए कि किसी का कोई विरोध कर रहा है तो सेना का विरोध कर रहा है। नेता भड़काऊ इस तरह के वो खुद चाहते हैं कि आप शिक्षा ना ले पाए, आप लोग पिछड़े रहें, आप लोग इस तरह के वोट करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ जाएंगे तो उनका पत्ता साफ कर देंगे। तो यही है, इन्हें आप लोग अपने जो भी अगर लिखित परीक्षा होती तब भी आप यूज कर सकते हैं, और वैसे भी प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। आप लोगों से इसीलिए तो कहता हूँ कि 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर मिनिमम उठा के देख लिया करेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है।